की खबरें शामिल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने भारत को होम ग्राउंड में धूल चटा दी, जिस पर भारतीय शायकीन आपे से बाहर हो गए और अपनी साबिका रिवायत के मुताबिक मेहमानों पर हमला कर दिया। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीयों को शिकस्त किसी सूरत कबूल नहीं। एक मरतबा फिर मेहमानों से तोहीना मेज ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त दी तो भारतीय आपे से बाहर हो गए और ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ियों की बस पर पथराव कर डाला। भारत के शहर गुवाहाटी में खेले गए दूसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को इबरतनाक शिकस्त से दोचार की। जीत के बाद ग्राउंड से होटल वापस जाते हुए दर्जन भर शायकीन ने ऑस्ट्रेलवी टीम की बस पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे बस के शीशे भी टूट गए। ऑस्ट्रेलवी टीम के खिलाड़ी इरवन फिंच ने सोशल मीडिया साइट पर इस वाकये की तस्वीर शेयर की, जिनमें बस के शीशे टूटे हुए नजर आ रहे हैं। इरवन फिंच का कहना था कि वाकये के बाद हम घबराए हुए थे। भारत में खेल के मैदान महफूज हैं ना ही खिलाड़ी, इससे कबल भी ऐसे मुतअद्दिद वाकयात सामने आ चुके हैं। 1992 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारतीय अपनी टीम की नाकिस कारकर्दगी से इस कदर मुश्तइल हो गए कि स्टेडियम में बोतलें फेंकी। इसी तरह पाकिस्तानी टीम के दौरों के दौरान भी भारतीय माहौल खराब करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर भारतीय रवैये को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब देखना यह है कि ICC खेल का वकार मजरूह करने पर क्या कार्रवाई करती है।